टोटल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपको क्या बता रहा है ये सुन ले। देखिए टोटल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपको बता रहा है कि हमारी टोटल पाकिस्तान की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन नहीं कह रहा, वर्किंग एज पॉपुलेशन कह रहा हूं। मिसाल के तौर पे ये है लेट सपोज 30 मिलियन, ठीक है, ये है कितनी, ये है 30 मिलियन। इसमें से 15 मिलियन जो है वो हमारा लेबर फोर्स है। इसका मतलब है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 50% है। अच्छा अब इसका मतलब क्या, गौर से सुनना। इसका मतलब बेसिकली ये है कि टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन में कौन लोग आते हैं, टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन में वो लोग आते हैं जिनकी काम करने की वर्किंग एज है, यानी कि ये लोग काम करने की वर्किंग एज में आ गए। मिसाल के तौर पे 16 साल एक वुमन एक एज होती है, ठीक है ना, जनरली इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज जहां पे हमारी हम कहते हैं कि ये वर्किंग एज है आपकी, अब 16 साल के हो गए तो आप वर्किंग एज में एंटर हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप वर्किंग एज में आ गए तो आप लेबर फोर्स में भी आ गए। जब तक आप विलिंग एंड एबल टू वर्क नहीं होंगे, भले आप 16 साल के हो गए तो आप लेबर फोर्स के अंदर नहीं आएंगे। अच्छा हो सकता है कोई 16 साल का लड़का जेलों प्रिजनर हो सकता है कोई 16 साल का लड़का डिसेबल्ड हो सकता है कोई 16 साल का बच्चा जो है वो फुल टाइम स्टूडेंट हो, तो इसका मतलब वो वर्किंग एज में तो है लेकिन वो लेबर फोर्स के अंदर नहीं है। तो 30 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान आर इन द वर्किंग एज, यानी दीज आर दोज पीपल हु आर इन द वर्किंग एज बट नॉट नेसेसरली विलिंग एंड एबल टू वर्क। However, only 15 million out of the 30 million, only 15 million out of the 30 million are those people who are willing and able to work. आ रही है बात समझ में? इसका मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बता रहा है कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में से जितने भी लोग वर्किंग एज में हैं, उसमें से भी, यानी जो लोग वर्किंग एज में आ चुके हैं उसमें से 50% लोग जो हैं वो लेबर फोर्स का हिस्सा है। So, labor force participation rate is an important indicator because it tells us how much, what is the quantity of labor resource that we have that can be used for production of goods and services. सही है? पता चल रहा है कि आपका labor force participation rate क्या है? Labor force participation rate 50% है. It is telling you the number of economically active people in your country, in your economy, who will be willing and able to produce goods and services for you, for the economy. These 50% people will be willing to contribute to the GDP, they will be contributing in the GDP, they will be contributing to the taxes, they will be contributing to incomes in the economy, they will be generating revenue for the economy. Aa rahi hai baat samajh mein? They will be producing services for the country. Main phir se repeat kar raha hu, labor force participation rate is basically telling you, it is telling you how many people in the economy out of the working age are actually looking for work or they are employed, yani kitne log economically active hai, kitne logon ke paas ya to jobs hain ya jobs nahi hai. Kyunki dekho total labor force mein kaun log aate hain, total labor force mein employed plus unemployed log aate hain, theek hai. To basically idhar dekho, idhar dobara hi kar raha hu, idhar dekho Nivyan aur Saqib, पाकिस्तान में 30 मिलियन वो लोग हैं जो वर्किंग एज में, तुम वर्किंग एज में हो, तुम वर्किंग एज में हो, तुम 16 साल के हो, तुम बिल्कुल वर्किंग एज में हो, तुम उन 30 मिलियन का हिस्सा हो, लेकिन क्या तुम लेबर फोर्स में हो? नहीं, तुम लेबर फोर्स में नहीं हो. तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तुम्हें बता रहा है कि 30 मिलियन वो लोग जिनकी वर्किंग एज है, जो वर्किंग एज का हिस्सा है, उसमें से कितने ऐसे हैं जो काम करने को तैयार हैं और विलिंग हैं, यानी कि वो या तो एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है. तो तुम्हें बेसिकली ये रेशियो बता रहा है इकोनॉमिकली एक्टिव पीपल का, हाउ मेनी 50% ऑफ पाकिस्तान वर्किंग एज पॉपुलेशन इज इकोनॉमिकली एक्टिव, द रेस्ट 50% इज इनएक्टिव. ऑल्दो दे आर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं, ऑल्दो दे आर इन द वर्किंग एज बट दे आर इकोनॉमिकली इनएक्टिव. 50% लोग इकोनॉमिकली एक्टिव है, 50% लोग इनएक्टिव है, वर्किंग एज में मगर इनएक्टिव है. तुम उसके अंदर वो बेगर्स वाली एग्जाम्पल दे सकते हो, बेगर है सड़क पे भीख मांग रहा है, सही है, क्या वो वर्किंग एज में आता है? काम कर सकता है? कर सकता है. काम कर रहा है? नहीं कर रहा. वो काम नहीं कर रहा, ही इज नाइदर विलिंग टू वर्क नाइदर एबल टू वर्क. तो साकेब, आज मैं आराम से ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर पाकिस्तानी मुल्क में भिखारियों की तादाद बढ़ जाए, अगर भिखारी बढ़ जाए हमारे पास, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट नीचे आएगा, और अगर मालची ज्यादा निकले तो ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जितना ज्यादा होगा उतना इसका मतलब इकोनॉमिकली एक्टिव मतलब कौन लोग हैं जो अभी के अभी तुम्हें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके दे देंगे, जो तुम्हें अभी के अभी रेवेन्यू जनरेट करके दे देंगे, जो तुम्हें अभी के अभी इनकम जनरेट करके दे देंगे,
ये इकोनॉमिकली एक्टिव है, लेकिन सर इसमें तो अनएम्प्लॉयड लोग भी शामिल है, तो फिर इकोनॉमिकली एक्टिव क्यों नहीं है? क्यों इकोनॉमिकली एक्टिव भाई? इसलिए भले बेरोजगार है, उसके पास जॉब नहीं है, अभी काम दो उसको, काम करके नहीं देगा तुम्हें, काम दे दो, बिल्कुल काम दो, अभी बोलो ये नहीं जॉब करके दोगे, वो करके देगा, क्या इनकम जनरेट करके देगा? करके देगा इनकम जनरेट। तो अनएम्प्लॉयड की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट देयर विदाउट जॉब, उनके पास अभी जॉब नहीं है, है वो, उनको काम करना है, काम मिलेगा, अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयमेंट खत्म, अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड में कन्वर्ट होने के लिए सिर्फ जॉब चाहिए, बाकी सब कुछ रेडी है उनके पास, विलिंगनेस है, डिजायर टू वर्क है, एबिलिटी टू वर्क है, समझ में आ गई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या है? एप्लीकेशन एग्जाम पर्सपेक्टिव से सुन ले, एग्जाम में अगर आपके पास सवाल आता है एप्लीकेशन एग्जाम पर्सपेक्टिव से, यानी सीआईएस के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, आपके पास जब भी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे लेबर फोर्स पे क्वेश्चन आए, जहां पर आप ये बता रहे हो कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए और जीडीपी ज्यादा होनी चाहिए, मेक श्योर कि तुम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का जरूर जिक्र करो। द हायर द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट द ग्रेटर विल बी द जीडीपी, द मोर विल बी द हायर द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इट मींस दैट वी हैव अ ग्रेटर पूल एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर अवेलेबल इन आर इकोनॉमी दैट विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निवियान जब बढ़ेगी तो पीपीसी भी आउटवर्ड शिफ्ट मारेगा राइट पे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा तो पीपीसी भी आउटवर्ड शिफ्ट करेगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ, इट विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ योर लेबर। लेबर इज अ रिसोर्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी एसेंशियल रिसोर्स, द हायर द मोर द क्वांटिटी ऑफ लेबर, द मोर द अवेलेबिलिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर, द मोर पीपल हु आर इन द वर्क फोर्स, obviously it will result into a shift in the PPC, it will result into a rise in the productive potential of the economy। ठीक है जी, तो मैंने क्या लिखा, मैंने पहली चीज लिखी higher the labor force, उससे क्या होगा, उससे आपका PPC जो है वो outward shift करेगा, because the higher the labor force, higher the labor force participation rate, लिख देते हैं इसको higher the labor force participation rate, इसका मतलब PPC outward shift करेगा, जितने ज्यादा लोग वर्किंग एज में हैं, इधर देखो, जितने ज्यादा लोग वर्किंग एज में हैं, और अगर ये वर्किंग एज में हैं और जॉब नहीं कर रहे, अगर ये 30 मिलियन लोग वर्किंग एज में हैं, तो ये इसका 15 मिलियन का फिर हिस्सा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है कि भाई 30 मिलियन में से सिर्फ 15 मिलियन जो है वो लेबर फोर्स में, बाकी 15 मिलियन कौन है? सर इकोनॉमिकली इनएक्टिव लोग हैं, बाकी 15 मिलियन रिमेनिंग 15 मिलियन कौन है भाई? इकोनॉमिकली इनएक्टिव, उनका इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो है इकोनॉमी के अंदर। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें इकोनॉमिकली एक्टिव लोग चाहिए, हमें लेबर फोर्स में घसीटना है उनको, सही है जी? ठीक है जी, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारा ज्यादा होना चाहिए। बच्चे एग्जाम में लिखकर आते हैं खाली एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो होना चाहिए। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट तुम्हें क्या बता रहा है? अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट तुम्हें क्या बता रहा है, इधर देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट तुम्हें बता रहा है, मिसाल के तौर पे साकिब, पाकिस्तान की टोटल लेबर फोर्स इस एग्जांपल के हिसाब से कितनी है? सर 15 मिलियन है, पाकिस्तान की लेबर फोर्स 15 मिलियन है। 15 मिलियन लेबर फोर्स में से कितने मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड है? सर 5 मिलियन अनएम्प्लॉयड है। अगर 5 मिलियन अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना निकला आयशा? 33.33%। क्या निकाला मैंने? अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी का रेट, परसेंटेज कितनी है पाकिस्तान में बेरोजगार लोगों की? एक मिनट, एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली कोई भी फिगर डाल के तुम दे सकते हो, एग्जामिनर को फिगर से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो इसका मतलब है कि भाई लेबर फोर्स अगर 15 मिलियन है, तो 15 मिलियन में से बेरोजगार लोग अगर 5 मिलियन है, तो इसका मतलब पाकिस्तान का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी का रेशियो है, वो 33.33% है। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट अलग बता रहा है। अच्छा, अगर मुझे एम्प्लॉयमेंट रेट निकालना हो, अगर मुझे निकालना हो कितने लोग जो है वो एम्प्लॉयड हैं, तो मैं कैसे निकालूंगा बच्चों? 15 मिलियन वाज माय लेबर फोर्स, 15 मिलियन इज माय लेबर फोर्स, मैंने डिनोमिनेटर में रखा 15 मिलियन, 15 मिलियन में से अगर 5 लोग अनएम्प्लॉयड है, तो एम्प्लॉयड कितने हैं? 10 मिलियन एम्प्लॉयड है, तो इसका मतलब इसका रेशियो क्या निकलेगा? 66.67% वो लोग हैं भाइयों जो एम्प्लॉयड हैं। एग्जाम में दो बातें लिखनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना चाहिए। जस्ट लाइक हाउ इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट आर, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज वेल।
द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट टेल्स अस हाउ मेनी पीपल आउट ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन आर हाउ मेनी पीपल आउट ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन आर पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही था, अब सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।